नहीं चाचू, आप नहीं समझ रहे, डैडी कभी भी किसी की नहीं सुनते। अरे बेटा, तुम्हारे डैडी को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसे लगता है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। अरे भाईजान को तो अपने अलावा सबके सब पूरी दुनिया में छोटे बच्चे ही लगते हैं। चाचू मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा डैडी के साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल है। अब गुजारा नहीं है बेटा, गुजारा तो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या करूं आप खुद बताएं, उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं ताकि वो खुश रहे। हाँ तो मिलाते रहो भाई। बात यह है कि हमने तो सारी जिंदगी भाईजान से अपने सारे काम इसी तरह निकलवाए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जैसा कहते रहे तुम कहो कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद आखिर में अपनी बात मनवा लेना। चाचू वो नहीं मानेंगे फिर भी। अरे मानेंगे, एक दफा तुम ये टेक्निक अप्लाई करके तो देखो। बस थोड़ा जरा चने के झाड़ पे चढ़ा दो, मक्खन पॉलिश लगाओ और मौका देखते ही अपने मुंह तक डाल देना। ठीक है, गुड बॉय, गुड बॉय, टेंशन नहीं लो। ओके बाय, एंजॉय। कोशिश करने में क्या जाता है। मैं हर वक्त तुम लोगों के सर पे नहीं खड़ा रह सकता। निकम्मे हो तुम सब लोग, इडियट्स। क्या हुआ डैडी? तुम सब एक जैसे हो, एक जैसे। ऐसी बात नहीं है डैडी। तो फिर कैसी बात है मियां? मुझे रियलाइज हो गया कि आप हमेशा ठीक कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपने दुनिया देखी है। मैंने तो अभी बहुत सी गलतियां करनी है, बहुत कुछ सीखना है मैंने तो अभी। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम मुझसे लड़के गए थे। डैडी मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज के बाद जैसा आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम मेरी कदर करोगे। जी डैडी। बेटे मैं आज बहुत खुश हूं। मैं भी डैडी। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहें। अरे भाई वो हमारे गांव में चौधरी हशमत अली रहते थे ना। जी जी मैंने नाम सुना हुआ है। हमारे पड़ोसी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। माशाल्लाह। और उनकी पूरी फैमिली से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जी जी लाजमी बात है, जब उनके साथ रहते थे आप, पले बड़े उनके साथ थे, तो अच्छे ताल्लुकात तो होंगे उनके साथ। इसीलिए मैंने बचपन में उसकी भांजी के साथ तुम्हारी बात पक्की कर दी थी। ये तो बहुत अच्छा किया। क्या क्या हुआ? क्या मतलब है कि शादी तय कर दी आपने मेरी उनसे? भाई अब वक्त आ गया है कि वादे को पूरा किया जाए। मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ डैडी बस बहुत डिक्टेटरशिप हो गई आपकी। चाचू ने मुझे कहा था कि आपसे प्यार से बात करूं, सारे मसले ठीक हो जाएंगे, यहाँ तो मसला और बढ़ गया। शादी नहीं करूंगा, बता रहा हूँ आपको। अच्छा तो ये बात। शाहब तुम इस्लामाबाद में बैठकर फरहान को ये ट्रेनिंग दे रहे हो? देखता हूं तुम्हें। अरे लेकिन भाई आप इतना गुस्सा कर क्यों रहे हैं? तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ के रख दिया और मैं गुस्सा भी ना करूं? लेकिन भाईजान मैं फरहान को क्यों खराब करूंगा, मेरा भी तो भतीजा है। तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है, वो खुद गर्ज हो गया है। मैंने किया किया है लेकिन। तुम उसे मशवरे दे रहे हो कि मेरी हां में हां मिलाकर मुझे बेवकूफ बनाए? क्या उस आपसे ये कहा है? शाहब थोड़ी सी शर्म कर लो, वो तो बच्चा है। लेकिन तुम्हारा बचपना क्यों नहीं खत्म हो रहा अब तक? अच्छा भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, वो समझ जाएगा। देखो देखो शाहब, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फरहान को तुम इस शादी के लिए राजी करो। हाँ हाँ भाई साहब मैं कराची आ रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम कराची आके फरहान को शादी के लिए राजी करते हो या फोन पर, ये तुम्हारा मसला है। भाई साहब यार क्या कर दिया इसने, भाई तो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, क्या करूं मैं अभी। इसको तो फोन करूं, खत्म कहीं का बोलने की क्या जरूरत थी सब चीजें। ये
मखलू की कॉल? नहीं नहीं नहीं, काट क्यों रहा भाई? जरूर डैड ने कोई कंप्लेन की होगी, कॉल उठाई तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बात कर सकता। मेरा फोन काट रहा है। चाचू ये नहीं करना, इधर आ। ये चल रहा है आजकल। चाचू शुक्र है आप आ गए, मुझे आपकी इतनी जरूरत महसूस हो रही थी। जरूरत? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैंने कहा है कि अब्बू को मक्खन लगा के अपना काम निकलवाओ? ओ चाचू आई एम सॉरी, वो जोश में मुंह से निकल गया। जोश में निकल गया? तुम्हारे जोश के चक्कर में भाई साहब मेरे होश उड़ा देंगे। क्यों क्यों? अब तुम्हें उनके कहने पर शादी करनी पड़ेगी, वो भी मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके गांव के चौधरी हशमत की बहन की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो एक काम कर, फिर तू मेरे आखिरी दिन गिन ले। क्या मतलब? अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। चाचू आप समझाएं ना डैडी को। समझाएं? तुम्हारे डैडी जैसे बड़ा समझ जाएंगे, इतने खड़ूस आदमी है वो। हैं तो क्या करें। सलाम अलैकुम भाई। आ गए तुम? आप ही को डिस्कस कर रहे थे, बड़ा मिस किया मैंने आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने ड्रामेबाजी बंद करो। डैडी कैसे बात कर रहे हैं चाचू से आप? तुम चुप रहो मियां। और सुनो शाहब, मैं जरूरी काम से दुबई जा रहा हूँ आज रात की फ्लाइट से। अगर तुमने फरहान को चौधरी हशमत की भांजी से शादी के लिए राजी नहीं किया तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तुमसे। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है शाहब। अगर फरहान ये शादी नहीं करता तो इसका मेरी जिंदगी से, मेरे घर से और मेरी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, समझ लो तुम दोनों अच्छी तरीके से। सुन लिया बेटे, सुन लिया तुमने? मैं नहीं करूंगा ये शादी, मैं बता रहा हूं आपको। अबे मैं कहां आ गया? क्या करूं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में आएंगे भी नहीं, डैडी एक ऐसी पहेली है जिसको आप बूझ नहीं सकते। मिस्ट्री है, मिस्ट्री। चाइनीज में लिखी हुई वो किताब है जिसको ना आप पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तुम्हारे अब्बा एक ताला है। हाँ, जिसकी चाबी खो गई है। कोई नहीं है, तुमने छुपाई हुई है। मैंने छुपाई है? हाँ, तुम शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। कितना आसान है आपके लिए कहना कि शादी कर लो। अरे पगले तो समझ क्यों नहीं रहा, अगर तू नहीं मानेगा तो मेरा सगा भाई मुझसे छिन जाएगा। मुझसे मेरा सगा बाप? लेकिन खैर है, मैं शादी फिर भी नहीं करूंगा। यार फरहान, अपने बाप के वादे का पास रख ले। ठीक है चाचू, शादी के बच्चों का खेल नहीं है जो मैं कर लूं। आपने मेरे बचपन में किससे क्या वादा किया, ये मेरा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है ये। अच्छा अगर मैं तुझे ये गारंटी दूं कि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़की भी बहुत अच्छी, फिर तो करेगा ना? नहीं, मैं शादी फिर भी नहीं करूंगा। ठीक है, तू बड़ा हो गया ना, अब अपने इस चाचू की बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। शुक्र है चाचू, शुक्र है आपको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं बड़ा हो गया। काश काश डैडी को भी इस बात का पता लग जाए कि मैं बड़ा हो गया हूं, उनको भी एहसास हो जाए कुछ। बस बस बस, आहिंदा तेरा ये चाचू तुझसे कभी बहस नहीं करेगा इस मौजू पे, कोई डिमांड नहीं करेगा। दिल तोड़ा है तूने रे मेरा, दिल तोड़ दिया चाचू। अबे छोड़ चाचू का बच्चा। चाचू इतना ब्लैकमेल, मुझे नहीं लग रहा कि तुम कुछ कर पाओगे। भाई चैलेंज चैलेंज मत कीजिएगा, आपको पता है जिस बात की मैं ठान लूं उसको मैं पूरा करके रहता हूं, टैलेंट है मेरे अंदर। टैलेंट? कौन सा टैलेंट है तुम्हारे पास? अच्छा भूल गए, शरारतें मैं करता था और इल्जाम आप पर लगता था, और मैं मासूम बनकर साइड में बैठ के आपको देखता रहता था और आप पिटते थे। अच्छा अच्छा बस बहुत हो गया, जो तुम्हें काम दिया है ना उस पर तवज्जो दो।
अपनी उम्र हो गई है लेकिन छचोरेपन से बाज नहीं आते। छचोरेपन ये मेरा स्टाइल है। यार भाई तो बिगड़ गए, क्या करूं, कुछ करना पड़ेगा। हेलो क्या हाल है? आप कौन? अर्शद साहब का घर यही है ना? जी जी उन्हीं का घर है। अरे आ गए तुम लोग, भाई वाह, मैं तुम लोगों को लेने आने वाला था। चाचू ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अच्छा कैसी हो हीर बेटा? आई एम गुड, आप कैसे? तुम्हारे सामने हूँ। मतलब के फिट पे? शहाब तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदले, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हीर कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम नहीं बड़ी हुई। हम अंदर चले? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। साइड में होगा। वैसे मैं ये सोच रही थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता। क्यों, तुम्हारे घर में घड़ी काम ही करती क्या? हीर अब तुम्हें शहाब से ना इसी किस्म के फजूल जोक सुनने को मिलेंगे। फजूल क्यों मम्मी, आई थिंक इट्स रियली फनी। See, she likes it. अब मैं इसी तरह के जोक्स किया करूंगा। अच्छा ये बताओ, अर्शद भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ या वैसे ही सख्त मिजाज है? अरे कहाँ कम हुआ, बल्कि उनके गुस्से में तो कुछ तरक्की हो गई। ओ, हीर तुम नहीं जानती, अर्शद भाई इतना गुस्सा करा करते थे हम दोनों की शरारतों पे। हाँ मुझे याद है। दरअसल हीर मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी शरारती की है, बहुत लोगों को तंग करके रखा हुआ। आई नो दैट, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, मम्मी जिक्र करती रहती हैं आपका। अच्छा करती है? ओह आखिर हम लोगों ने इतना सारा वक्त क्लोज गुजारा है तो वक्त गुजारा है, क्लोज नहीं वक्त गुजारा है। तुम लोग थक गए होंगे, तुम लोग रेस्ट करो, मैं जब तक डिनर का इंतजाम करता हूँ। डिनर पे मिलते हैं फिर। चाचू ये लोग कौन है? क्यों वैसे ही पूछ रहा हूँ? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। नाराज है मुझसे? नहीं नहीं तुमसे तो मैं बहुत खुश हूँ और वजह भी तुम्हें पता है। चाचू देखें जो आप लोग कह रहे हैं वो नहीं हो सकता ना, आप लोग मेरी गांव की लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। अब शादी के लिए लड़के लड़की का दिमाग मैच होना जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, लेकिन तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अब इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। गुड सर, अब बताएं कौन है ये लोग? जाने दे यार। बताएं ना कौन है ये लोग? मेहमान है मेरे। वही तो पूछ रहा हूँ कौन मेहमान, कोई हमारे रिश्तेदार जिनका मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता ही हूँ। ओ हीर नहीं आई डिनर पे? उसे भूख नहीं थी, वो बाद में खाना खा लेगी। अच्छा अच्छा। उसे ये बताओ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
तुम मुझे ये बताओ कि तुम हीर से अक्सर मेरा जिक्र क्यों करती हो? किसी खुशफहमी में मत रहना, वो तो फैमिली का जिक्र आता है तो तुम्हारा जिक्र भी निकल आता है उसमें। अच्छा, सच बोल रही हो या अभी भी दिल की बातें छुपाने की आदत नहीं गई? शर्म करो शहाब, मैं जवान बेटी की माँ हूँ या उसकी शादी के लिए आई हूँ। ये भी तुमने फरहान से हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? अरे यही तो मसला है, फरहान शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। यही हाल हीर का भी है, बड़ी मुश्किल से उसे मना के लेके आई हूँ, तब भी उसने शर्त रखी है कि वो पहले फरहान से मिलेगी, उससे बात करेगी, अगर समझ में आएगा तो हाँ करेगी। अच्छा, तो क्या हीर शादी से इनकार कर सकती है? नहीं, इनकार तो नहीं कर रही, मगर उसने हामी भी नहीं भरी। अच्छा, तो तुम ना फरहान को ये मत बताना कि तुम लोग कौन हो और किस सिलसिले में आए हो। फरहान ने तुमसे नहीं पूछा कुछ? पूछा था, मैंने उसे कहा मेरे जानने वाले हैं पुराने। अरे तुमने इतना सा खाना लिया है, क्या कर रही हो? और लो ना खाना, इतना है। मैं इतना ही खाती हूँ। अच्छा, वो क्या हुआ जवानी में जो पहलवानों वाली डाइट थी तुम्हारी? शहाब अपना मुंह बंद रखो और खाना खाओ। हाय। हेलो, मेरा नाम हीर है और मुझे फरहान कहते हैं। जी मुझे पता है आप फरहान। आप लोग कहीं बाहर से आए? जी कनाडा से। अच्छा, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात है? मैंने बिजनेस पढ़ा है और अपने डैडी का ही बिजनेस संभालता हूँ। बल्कि संभालते तो खुद ही है, मैं बस ऑफिस में आना जाना करता हूँ और कुछ नहीं। मतलब आप अपने बिजनेस के कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेते? बिजनेस के डिसीजन तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब? आप थोड़ी देर बैठेंगे? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कुछ। आए बैठे, बैठे तो सही, बैठे। पता नहीं मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे बोलिए बोलिए, क्या हो गया? असल में ना मेरे डैडी काफी सख्त हैं। आपको पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना मेरी शादी अपने गांव की किसी चौधरी हशमत की भांजी के साथ तय कर दी है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मेरा रिएक्शन था। मैं भी उसे कह रहा था ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, भला गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की के साथ मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं वो? मैं तो शहर में रहता हूँ। अच्छा भला यहाँ पे रहता हूँ, किस तरह गाँव जाऊंगा मैं? अच्छा बस बस बस, देखे बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, आप बाहर से आई, आपको क्या पता कि पाकिस्तान की गाँव की लड़की कैसी होती है? ज्यादा नहीं हुआ, आपको क्या अंदाजा मेरे दुख का भला? मतलब फरहान doesn't know at all कि आप ही चौधरी हशमत की बहन है और मैं उनकी भांजी, और वो ये शादी करने के लिए राजी नहीं है। और जो बातें उसने तुमसे की हैं वही बातें उसने अरशद भाई से की हैं और शहाब से भी की हैं। मतलब वो ये नहीं जानता कि हम लोग कौन और यहाँ किस लिए आए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानता। अरे वाह, that's great, अब तो फरहान साहब का असली रूप देखने को मिलेगा। हीर, देखो यहाँ पहले ही एक मसला खड़ा हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसे। देखे मामा, लड़के को जानना मेरा पूरा हक है और आप ये हक मुझसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। और मत भूलें कि मैं आपके लिए सिर्फ आपके एक कहने पे कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ सिर्फ शादी करने के लिए। देखो वो तो तुम्हें आना ही था, आखिर हमने जबान दी हुई थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आप भूल रहे कि मैं नेशनल कैनेडियन हूँ, और अगर मैं नहीं चाहती तो कोई भी मुझे यहाँ नहीं ला सकता था।
अच्छा बस अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, ये पाकिस्तान है कनाडा नहीं। लेकिन आप जो हैं वो मेरी मम्मी हैं एंड आई नो दैट कि आप मेरी मर्जी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ट्रू। चाचू मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुने, चाचू मेरी बात तो सुने ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कोई। ऐसे तो ना करें। क्या ना करूं? देखें बचपन से आज तक अपने दिल की हर बात मैंने आपसे शेयर की है, अब आप नहीं सुनेंगे तो मैं किससे कहूंगा? जिससे दिल चाहे जाके करो, मुझसे ना करो। मैं तो आपसे बात करूंगा। ये क्या डिटाई है? आप डैडी को समझाए ना कि ऐसे ना करें। क्या क्या समझाऊं? नहीं चलो तुम समझा दो मुझे कि मैं जाके क्या समझाऊं उनको। यही कि मेरी शादी उस गांव वाले से नहीं बल्कि उस लड़की। कौन सी लड़की? वही वो आपके दोस्त की बेटी। तुम हीर की बात कर रहे हो? जी। अच्छा तो इसलिए इतना मक्खन लगाया जा रहा था। इसमें मक्खन लगाने की क्या बात है? हीर अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लिबरल है, ब्रॉड माइंडेड है। नहीं। क्या नहीं? ये मुमकिन नहीं है। आप एक दफा बात तो करके देखें। जहां तुम शादी करना चाहते हो वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वजह? क्योंकि मैंने कह दिया। वजह तो बताएं। वजह? वजह तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगी। चाचू भाई बात कौन बताएगा? वजह हीर, मैं वहां बैठ सकता हूं? भाई तुम्हारा घर है, तुम जहां चाहे बैठ सकते हो। हाँ। अच्छा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। कल कोई खास दिन है? कल कोई खास बात होनी है? हाँ। क्या? कल बहुत खास दिन है। क्या मतलब? कल बहुत सी खास बातें होनी है। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या मतलब। देखो जब आप सुबह उठो है ना, और आप बिल्कुल 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 हेल्दी फील कर रहे हो, आपके सर पे छत हो, आपके पास खाने के लिए सारी नेमतें हो, मेरे हिसाब से तो वो हर दिन स्पेशल होता है जो कि टेंशन फ्री हो और ऐसा हो। हाँ हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और? हाँ एक और खास बात है। क्या? याद आया। हाँ क्या? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी जो अम्मी है उनकी बर्थडे कल। तो उसकी अम्मी की बर्थडे कौन याद रखता है? कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और खास बात? इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं है। क्यों तुम क्यों तो सवाल कर रहे हो मुझसे? वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ना कोई और खास बात। सब खैर तो है ना फरहान साहब? हाँ सब खैर है। नहीं है ना कोई खास बात? नहीं। पक्की बात है? की बात है। मैं हाँ 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 आओ भैया आ जाओ कैसा रहा सफर? ठीक ठाक? हाँ अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड। अरे ये फरहान है मेरा भतीजा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वका चाचू ये कौन? ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। अच्छा अच्छा वो जो आंटी ऊपर आई हुई है उनके बेटे हैं ये? नहीं नहीं उनके नहीं, ये मेरे अलग एक दोस्त हैं उनके बेटे। अच्छा हाँ, वकार इसको तुम अपना ही घर समझना। किसी भी चीज की जरूरत हो बस तुम फरहान को कांटेक्ट करना, ये मसले हल करेगा। और फरहान मियां वकार का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अंकल इस वक्त मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं रेस्ट करूंगा। एब्सोल्युटली यार आगे जाओ, राइट पे कमरा है पहला, बैग छोड़ दो फरहान उठा लेगा। ओके एंजॉय योरसेल्फ। जा जा जा। चाचू ये क्यों आए? ये हीर से शादी करना है। क्या ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये गलत है। क्या गलत कर रहे हैं भाई? तू तो अपने बड़ों की मानता नहीं है, वो सुनता भी है मानता भी है, इसलिए आ गया। मैं हीर को पसंद करने लगा हूँ। हीर पसंद आ गई? मतलब रोड पे चलते हुए तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आ जाएगी और मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा है? तो आपने मेरे लिए कौन सी लड़की पसंद की है? गाँव के चौधरी अशमत की भांजी? मैंने नहीं देखी, तुम्हारे अब्बा ने देखी है। लेकिन अब तो आप भी उनका साथ दे रहे हैं ना? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, ये वकार आया इसीलिए है।
कि हीर और वकार एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और शादी की बात तय हो जाए। हीर को अब तुम भूल जाओ और हाँ बैग मत भूलना। मुन्ने हाँ बस आपको ईमेल आ रही है, पर दो मिनट में। ये क्या है? जानवर। वो तो मैं अभी देख सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है। मैं असल में एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन। यहाँ इंसानों को हकूक नहीं मिलते और तुम जानवरों के हकूक की बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें कोई मसला है? मुझे क्या मसला? Hi, I'm here. अब sorry to interrupt you. मैंने अभी सुना आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्यों, आपको भी कोई एतराज है कैसे? नहीं 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 नहीं, एतराज कोई नहीं, आई डोंट मीन दैट। वो मुझे तो बहुत खुशी हुई सुन के, बिकॉज मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। अरे दैट्स वंडरफुल। और आपको पता है मेरे पास कनाडा में दो डॉग्स भी हैं। ओह दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। चलें कोई तो मिला कॉमन इंटरेस्ट वाला। चाचू मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? यही कि मैं हीर को पसंद करता हूं और आप उसकी शादी उस लंगूर वकार के साथ कर रहे हैं। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा तो सुन ले। वो इस घर का मेहमान है ना, उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। तो इज्जत ही कर रहा हूं मैं उसकी, कौन से डंडे मार रहा हूं उसे? डंडे तो तू मार भी नहीं सकता चूजे। नहीं मार तो सकता हूं अगर अभी आप हुक्म करें तो। फरहान बिल्कुल बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चाचू छोड़े ना इस बात को, आप हीर की अम्मी से बात करें ना। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिलसिले में कुछ भी कर पाऊंगा। अच्छा मेरे लिए भी नहीं। हाँ तुम्हारे लिए भी। हाल बता, तुम कुछ जरूर कर सकते हो। मतलब तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ। गॉड, बसीर के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, टेबल पर सजाओ, मोमबत्तियां जलाओ, खुशबू फैलाओ, हो सकता है इस तरह हीर तुम्हें दिल दे बैठे। एक मिनट, रात को कौन सी मूवी देखी है आपने? तुम्हें नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। मुन्ने अगर कोई मूवी वाला सीन हुआ ना तभी तुम्हारी दाल गलेगी, वरना मुझे तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि हीर के लिए तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा। वरना मैं तो कहता हूं कि हीर को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ। सोचो सोचो, मुश्किल काम है, नामुमकिन भी हो सकता है। How sweet, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे देखो प्लीज, मुझसे आप करके बात करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा नाम ले सकती हो। थैंक यू सो मच। अच्छा अपने बारे में तो बताओ, कनाडा में क्या मसरूफियात हैं? कनाडा में बस पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी चलती रहती है, तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है। और खाने में तुम्हें क्या पसंद? खाने में I love pasta. I love every kind of pasta. Really? मुझे भी pasta बहुत पसंद। आपको ही pasta पसंद है? आपको नहीं, तुम्हें। Sorry, my fault. तुम्हें भी pasta बहुत पसंद है? बहुत पसंद। That's great, यार। तो कौन सा वाला pasta तुम्हें पसंद? यार, जैसे Alfredo, that's one of my favorites. वो तो है ही वैसे। हीर को पास्ता पसंद है। मुझे पास्ता बनाना आता है। हीर 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 हीर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाया। ओ वाह, पास्ता? हाँ मैंने बनाया। रियली? तुम्हारे लिए। तो
तुम्हें कैसे पता मुझे पास्ता पसंद है? वो कल तुम वकार से कह रही थी ना, तो मैंने सुन लिया। So sweet, but you're too cute. Thank you. लेकिन एक मसला। क्या? मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा? Guys, तुम लोगों ने खाना खा लिया? बड़ी भूख लग रही है, खुशबू कैसी आ रही है? पास्ता? हम कल ही तो इसकी बात कर रहे थे। Exactly. ये मैंने हीर के लिए बनाया। तुम्हें पास्ता बनाना आता है? जबरदस्त भाई। वकार, तुम ही खा सकते हो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मैं खाना खा चुकी। फरहान, दे दो ना इसे। हाँ तुम रख लो, वैसे भी जाया ही होना था। थैंक यू। He's cute ना? थैंक यू फरहान। अब दोबारा बना लेना, ठीक है? तो फिर क्या, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई? ऐसी बात तो नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? मतलब हीर को कम से कम ये तो पता चला होगा कि तुमने उसके लिए कोई एफर्ट किया है। दिन खाया तो सब कुछ वकार ने ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं क्या करूं? कोशिश जारी रखो मेरे दोस्त। और कितनी कोशिश करूं मैं, वो वकार हर वक्त हीर के साथ होता है, ऊपर से हीर को है भी जानवरों का शौक। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अगर घर में हीर से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, उसे कहीं बाहर ले जाओ। हाँ ये अच्छा आइडिया दिया आपने। आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? Come in. Oh, फरहान, खैरियत? जी, खैरियत है सब। कोई काम था? हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे तुम? अगर आप बुरा ना माने तो हम बार लंच पे जा सकते हैं। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? I'm sorry. इसे बुरा मानने वाली क्या बात है यार? है ना, मैं भी ये कहता कि बुरा मानने वाली बात। आप एक काम करें, आप जल्दी से तैयार हो जाए और फिर हम लंच करने के बाद ना सी व्यू पे भी चलेंगे, और अगर टाइम मिला तो डिनर भी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? वो वकार है ना, उसने आपसे पहले पूछ लिया, तो मेरा उसके साथ प्लान है, हम लोगों को खाने पे जाना है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। एक्चुअली अभी उसको लास्ट मोमेंट में मना करूंगी ना, बेचारे का दिल टूट जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? जी ठीक है, कोई बात नहीं। Why don't you join us too? नहीं, it's okay. फिर कभी सही। Okay. फिर next time, okay? Done. मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे भतीजे को ये बात पता भी है कि उसकी शादी हीर से होनी है, ना हीर मुझे कुछ बता रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हें आज तक पसंद करता हूं। प्लीज फजूल बातें मत करो ना फरहीन। ये जो तुम्हारे लिए फजूल बातें है ना, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। शहाब, ना वो वक्त रहा है और ना हम बच्चे रहे, इसलिए प्लीज थोड़ा संजीदा हो जाओ।
संजीदा? अरे दुनिया ने क्या कर लिया संजीदा होकर? मुझे तो लगता है ये जिंदगी बस एक मजाक है। देखो इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की शादी करने के लिए आई हूँ और इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात ना कर रहे हो तो चाचू मेरे से चल सकते हैं, कुछ बात करनी है। जहाँ शहाब हो वहाँ इम्पोर्टेंट बात हो ही नहीं सकती। हम फजूल बातें कर रहे थे, तुम इन्हें ले जा सकते हो। भतीजे ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी इस वक्त? यहाँ भी नहीं बता सकता ना, मेरे साथ चलें या कुछ जरूरी बात है? हाँ हाँ श्योर मैं आता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये आंटी से क्या बातें कर रहे थे आप? क्या मतलब तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं सुन रहा था आपकी बातें। तो फिर अभी तो आंटी ने कहा फजूल बातें कर रहे थे आप। अब वो मेरी बचपन की दोस्त है यार, वो इस तरह की बातें करती रहती है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो। मुंह क्यों लटका हुआ है? चाचू आपको कोई मशवरा काम नहीं आ रहा है? क्या मतलब? मैंने हीर से भी डिनर की बात की, पता लगा वो तो वो कार के साथ जा रही है। ओ अच्छा, मैं जो भी प्लान करता हूँ ना ये वो कार बीच में आ जाता है। इसका तो काम ही यही है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो तो आया इसीलिए ना कि वो हीर को समझा सके। उसके समझाने के चक्कर में मेरा काम तो खराब हो रहा है ना। मेरे लाल अगर तुम्हें हीर को समझाना है तो जरा एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एफर्ट? और क्या एफर्ट करूं मैं? ये संभालना तुम्हारा काम है। कहाँ चले? फहीम के साथ ना कुछ बातें अधूरी रह गई थी, वो करने जा रहा हूं। आना मत प्लीज। गुड बाय। क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं क्या। अरे यार क्या हुआ? कार फ्लैट हो गया। अब क्या होगा? स्पेयर व्हील भी नहीं है, पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा। पंचर वाला लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शुक्र है फरहान तुम आ गए यार। क्यों क्या हुआ? वो वकार की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उसमें मसला क्या है? स्पेयर व्हील निकालो अंदर से लगा ले वकार। यही तो मसला है, स्पेयर व्हील नहीं है और यहाँ पंक्चर वाला कहाँ मिलेगा? लेकिन चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फरहान तो आ गया है ना। हाँ एक काम करते हैं, मैं हीर को अपने साथ ले जाता हूँ और तुम पंक्चर लगवा के घर आओ, ठीक है? अरे यार एक काम करते हैं ना फरहान, तुम गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं और हीर चले जाते हैं घर पे, तुम पंक्चर लगवा के आ जाओ। अरे नहीं ऐसे कैसे, हीर मेरे साथ जाएगी ना, तुम पंक्चर लगवा लो। यार देखिए एक तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे पंचर वाला कहाँ है, मैं तो खुद नया आया हूँ, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता इधर के, तुम करवा लो ना यार। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको तो शहर के रास्तों का पता ही नहीं, कहाँ पंचर वाला ढूंढता फिरेगा। फरहान तुम ये काम बेटर कर सकते हो।
लेकिन हीर बात यह है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं ना, मुझे भी नहीं पता, वकार को नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता ना। अरे कम ऑन यार, फरहान तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, और अब तो हीर भी बोल रही है ना यार, प्लीज प्लीज कह रहे ना, तुम करवा लो। क्यूटी पाय, थैंक यू। मुझे मैकेनिक के पास छोड़ के खुद तू लड़की सेट करने में खड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? नहीं किया तुझे। मुझे 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 इससे बात नहीं करने देता। जब मैं इससे बात करने तो घूम के घूमते थे। यहाँ पे छोड़ मुझे, पागल है। हेलो फरहान, क्या हुआ? भाई मैकेनिक मिल गया था तुम्हें आराम से? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? हाँ मिल गया था। थैंक यू ब्रदर। मैंने कहा था ना कर देगा। अरे जा कहाँ रहे हो? आओ ना वर्कशॉप करते। चाय बनाने जा रहा हूँ। दोपहर से ना धूप में सर में दर्द शुरू हो गई है। चाय पी लो। अच्छा सुनो फरहान। कहो। मेरे लिए भी चाय बना दोगे? हाँ बना देता हूँ। थर्मोस में बना देता हूँ क्योंकि कप में तो तुम पी नहीं सकोगे। ज्यादा चाहिए होगी ना तुम्हें? नहीं यार थैंक यू वेरी मच। मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। चाय से वैसे ही मेरी नींद उड़ जाती है, इसलिए अब आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। मैं तो जा रहा हूँ। गुड नाइट। बाय। हाँ सुबह मिलते हैं। मैं तुम्हारी चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? ओके आई विल वेट। मैं सोच रहा था कि फरहीन बेचारी जब हीर की शादी कर देगी तो खुद तो अकेली रह जाएगी ना। मुझे पता था मुझे कि तुम फरहीन को पसंद करते हो और अपने चक्कर में लग गए हो। हाँ तो भाई इसमें कौन सी गलत बात है? मैं फरहीन को पसंद करता हूँ। देखो साहब, मेरे वापस आने तक अगर फरहान हीर से शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए फरहीन को छोड़ो और इस मामले पर तवज्जो दो। फरहीन को छोड़ दूं? भाईजान फरहीन को कैसे छोड़ दूं? आखिर वो मेरे बचपन की मोहब्बत है। शहाब। शहाब। हाँ? तुम किससे बातें कर रहे थे मेरे मुतालिक? भाई साहब की कॉल थी, उनसे बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हो तुम? हेलो हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। लगता तो नहीं है। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो फरहीन? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरहीन फरहीन मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी मेरी बात तो सुन लो। चाय अच्छी बना लेते हो तुम। मैं पास्ता भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। सो सॉरी, लेकिन अभी तो मैं यही हूँ ना, दोबारा बना लेना। डन। वैसे थैंक यू सो मच। इसलिए तुम आज बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, वरना वकार को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैकेनिक कहां से आएगा, क्या होगा। हीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम मेरी मेहमान हो ना, इसलिए। कसम से लाइन नहीं मार रहा, अल्लाह की कसम है लाइन नहीं मार रहा, मैं सही से बता रहा था तुम्हें। बहन तुम इतना पैनिक क्यों कर जाते हो? ओके थैंक यू सो मच। हीर, तुम मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ 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 हाँ, और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी डैडी ने तुम्हारी शादी किसी चौधरी हशमत की भांजी से फिक्स कर दी, राइट? और मैंने इनकार कर दिया क्योंकि तुम्हें किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी, ये भी तुमने बताया था। हाँ क्योंकि मुझे कोई समझदार लड़की चाहिए। समझदार की डेफिनेशन? तुम?
मेरा मतलब है कि तुम जैसी। मैं तुम्हें समझदार लगती हूँ। तो देखो, मेरे जैसी लड़की मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेरे कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। सोचूंगा। तुम्हें जल्दी सोच लो, ये ऑफर महदूद मदद के लिए। सोच तो लिए, और कितना सोचना। ये इश्क और चावल जितना पुराना होता है ना, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती चली जाती है। शहाब, तुम फिर से शुरू हो गए। अच्छा सॉरी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये वकार है कौन? दरअसल वकार जो है वो एक। हेलो गाइस, क्या हुआ, कोई जरूरी बात कर रहे थे आप लोग? जहाँ शहाब हो वहाँ कोई जरूरी बात हो सकती है। मम्मी ऐसे तो ना बोले, he's a good man, right? See? क्या कह रही है तुम्हारी अपनी बेटी, सुन लिया? चलो तुम लोग बातें करो, हम फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके, गुड बाय, सी यू। नाइस मैन। तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा इस बारे में? स्टिल थिंक। सोचना क्या है, फरहान अच्छा लड़का है, फैसला कर लो। हाँ, लड़का तो अच्छा है, लेकिन अब लेकिन क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्या? सबर करें, चल करें मम्मी, चल। हाँ, पता नहीं ये लड़की भी क्या सोच रही है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रेकफास्ट नहीं किया आज आपने? आज मूड नहीं हो रहा था। थोड़ा सा तो कर लेना चाहिए। भाई मेरा मानना है कि इंसान का जब खाने का मूड नहीं हो तो उसे जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आपको पता है जो लोग बिला वजह हर वक्त खाना खाते रहते हैं ना, मैंने सुना उनका दिमाग भी तवाजुन खराब होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको पता है मुझे अपना वकार है ना, है तो बहुत खूबसूरत, हसीन भी है, लेकिन उस बेचारे के साथ भी यही मसला है। अच्छा? जी जी, मैंने खुद उसको देखा है, जंगली जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है वो। अच्छा, मगर बज़ाहिर तो वो ऐसा नहीं लगता। यही तो बात है, इसी चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जाहिर से बिल्कुल ठीक लगता है। मेरा मानना है कि इंसान का रिश्ता करवाने से पहले ना उसके दिमाग का जरूर चेक करवा लेना चाहिए, अगर पागल निकला तो बेटे की जिंदगी बर्बाद। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आंटी मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ, मगर वो सुनता ही नहीं मेरी बात। क्यों? चुप, छोड़े आंटी इस बात को। मैंने आपसे जो वकार के बारे में बात कही है ना, आप प्लीज वकार से मत कहना। क्यों? ऐसे ही बेचारे की दिल आजारी होगी ना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको तो पता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया सब कुछ। झूठ कभी नहीं बोलूंगा मैं आपसे। मैं चलता हूं, आप चाय पिए। अकेले बैठे हो? तुम्हें और कोई नजर आ रहे हैं यहाँ? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, अक्सर हीर के साथ बैठे होते हो ना? तुम्हें बुरा लगता है क्या? मुझे क्यों बुरा लगना है भला, वैसे दो इंसानों में इतनी सिमिलैरिटी होना अच्छी बात नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम हीर को नहीं बताओ तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। नहीं बताऊंगा, बोलो। मैं हीर के साथ बैठा बातें कर रहा था तो उसकी बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मजाक लग रही है तुम्हें मेरी बातें? यार वैसे मुझे भी ऐसी लगता है ना,
है ना? मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, तुमसे मजबूरी में बात करती है और कुछ भी नहीं है। यार कई बार मुझे भी ऐसा फील हुआ है, लेकिन देख मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि लड़की तो अच्छी है। लड़की तो अच्छी है, लेकिन शादी के बाद ना जिंदगी अजाब कर देगी तुम्हारी, जीना हराम कर देगी। वो कैसे? देखो बेजार वो तुमसे अभी से, मोहब्बत शादी के बाद रहती नहीं है, बस गुजारा होता है और तो कुछ भी नहीं। यार बात तो सच है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। सोचो सोचो मेरे दोस्त, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है, कसम से तुम्हारा ही फायदा है। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो फरहान। हाँ, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? मुझे ये बताओ कि ये वकार के साथ कोई मसला है? कैसा मसला? मेरा मतलब है कि गुस्से का बहुत तेज है। नहीं तो, बिल्कुल भी। अभी मैंने खुद सुना है फोन पे बहुत गुस्से में बात कर रहा था। अच्छा? हाँ हाँ, और गालियां भी दे रहा था, इतनी बड़ी बड़ी। क्या? हाँ, अरे मैं तो उसे बहुत मुहज्जब इंसान समझता था। किससे गुस्से में बात कर रहा था? शायद शायद कोई लड़की थी। लड़की? हाँ हाँ, इतना हैरान क्यों हो रही हो, शादी से पहले सबके अफेयर्स होते हैं। वो क्या बात कर रहा था? अब मेरा मतलब है, लड़की क्या बात कर रही थी? बात, लड़की ने कहा कि वकार तुम धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद भी मुझसे मोहब्बत करोगे। उस पर वकार ने कहा कि हाँ हाँ, अगर मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दी तो मैं शादी के बाद भी तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। What? ये क्या बकवास है? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। लेकिन फरहान, तुमने लड़की की बातें कैसे सुनी? मैं कमरे से गुजर रहा था तो वो स्पीकर ऑन करके बातें कर रहा था। सोचो लड़कियों से स्पीकर ऑन करके कैसे लड़के बातें करते हैं, सोचो सोचो। सर काम हो गया। कंफर्म बात है, काम पक्का हुआ? सर मैं बता रहा हूं ना, फरहान हीर से शादी करने के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। हाय हाय, मजा आ गया, गुड जॉब। ये लो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चाचू 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 चाचू, अरे बहुत खुश हूँ। क्यों, खैरियत? मैंने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया। कैसे कांटा? वकार, वकार कांटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वकार हीर से शादी नहीं करेगा। और ये बात तुम्हें किसने बताई? मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिलहाल आप हीर की मम्मी के पास जाएं और उनसे मेरे रिश्ते की बात करें। अच्छा, वैसे मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? देखो भतीजे, मैं फरीन से हमेशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं उसे जाके फाइनली शादी का प्रपोजल दे दूं। क्या, ये कैसे कर सकते हैं आप? मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं बस जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया। नहीं 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 चाचू, ये अभी ना करें। देखे मेरे काम, मेरा काम होने दे, आप मेरा काम भी खराब करेंगे अपने काम के चक्कर में। As if I care. चाचू मेरी बात सुने, मेरी शादी हो ना उसके बाद आपका मेरा। चाचू मेरी बात तो सुन ले, चाचू चाचू मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, आज मैं बात करके रहूंगा यार, बहुत हो गई। चाचू को पता नहीं क्या हो गया, अपने चक्कर में मेरा भी काम खराब कराएंगे। क्या बड़बड़ा रहे हो, क्यों परेशान खड़े हो? सो बोलो, क्या बड़बड़ा रहे हो, क्यों परेशान खड़े हो? वंदना,
चाचू की लड़ाई हो रही है। तुम्हारी अम्मी से और किससे? फिर बस यहाँ से चलो, मैं हम एक मिनट यहाँ नहीं रह सकते। क्या हो गया है मम्मी, क्यों क्यों गुस्से में आप? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मैंने कहा है अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, आंटी मेरी बात सुने, क्या हो गया ही समझाओ ना अपनी मम्मी को। हाँ। मम्मी समझे ना, बस बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की, अब तुम चलो यहाँ से। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुने मम्मी। बात तो सुनो, चली गई यार, हो गया तसल्ली। आंटी, अरे आंटी, भाई साहब अपने बिजनेस टूर से वापस आ चुके, उनसे जाकर मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों? कि मेरी शादी हीर से हो सकती थी, सारा खेल आपकी वजह से खराब हुआ। तुम्हारा खेल तो कभी बना ही नहीं था मुन्ने। अच्छा बस कर दें, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको पता हीर मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी। ऐसे तो फरीन भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। आप तो रहने ही दें, अपनी मिसालें ना ही दें, आप तो अच्छे। अच्छा अच्छा नहीं दे रहा मिसालें, लेकिन लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था हो गया आपकी वजह से। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से, ओके। लेकिन जाके बाबा से मिलो, वो तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं कि तुम चौधरी हसमुख की भांजी से शादी करोगे या नहीं। चाचू मैं क्या फैसला करूंगा? देखो हीर तो तुम्हें मिल नहीं सकी, अब अपनी जिद के चक्कर में अपने बाप का दिल मत तोड़। चलो जाके मिलो। गुड बॉय, उठो, मैं इंतजार कर रहा हूं। Come in. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका ट्रिप? बैठो बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है, तुम उससे शादी के लिए रजामंद हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। डैडी आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसा ही होगा। बेटे तुमने तो मुझे खुश कर दिया बेटा, मैं तुम पर फखर करता हूं बेटे। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे। मैं इसी हफ्ते तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूं बेटे। मैं चलता हूं। ठीक है बेटा। देखिए मुझे मालूम है कि आज आपकी शादी हुई है तो आपको लग रहा होगा कि जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। ये शादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। मैं कभी भी एक अच्छा शौहर नहीं बन सकूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, पर उसके अलावा किसी और को दिल में जगह नहीं दे सकता। आप हंस रही हैं? मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि डायलॉग बाजी बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। हाँ मैं। तो तुम यहां कैसे? क्योंकि मैं ही चौधरी हशमत की भांजी हूं। क्या? हाँ लेकिन पता है मुझे बहुत अफसोस हो, क्योंकि तुम तो एक अच्छे शौहर कभी नहीं बन पाओगे और ना ही तुम अपनी बीवी को खुश रख पाओगे। बिकॉज यू लव समवन एल्स, तो ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ यार, क्या फायदा मेरा रहने का, तुम तो किसी और से प्यार करते हो। नहीं 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 हीर, नहीं नहीं हीर,
मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी कह तो रहा था कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, तुम ही तो हो। पक्की बात है फरहान सर? हाँ 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 पक्की बात है। तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे हो फरहान। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम हीर चौधरी हशमत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझना है कि ये सब क्या हो रहा है तो बाहर चले जाओ, तुम्हें सब समझा दिया जाएगा। भाई इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट अच्छा आया, मुझे तो ये खुशी हो रही है। हाँ थैंक यू बाय द वे। चाचू सब तुम्हारा प्लान था। चाचू मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हीर से हो रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी शादी चौधरी हशमत की भांजी से ही हो रही है। एक ही बात है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम ये समझ रहे थे कि हम किसी गांव से आ रहे हैं, इसीलिए तुमने शादी से इनकार किया। आंटी आप तो चाचू से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी ना, वो सब एक ड्रामा था। ये जो फरहान है ना, ये हीर से शादी के लिए राजी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो है, लेकिन इस शादी को इतनी आसानी से नहीं होने देना हमने। क्या मतलब? हमें एक ड्रामा रचाना होगा। कौन सा ड्रामा, कैसा ड्रामा? मैं सुन लेता हूँ। गुड आइडिया। मुबारक हो दोस्त। वकार तुम? वकार नहीं, फराज। नहीं वकार है ये। अरे वकार तो उनका फर्जी नाम है, असल नाम तो उसका फराज है। ये एक थिएटर का बहुत अच्छा एक्टर है। चाचू ये सब कुछ आपने प्लान किया था? हाँ भाई क्या करूं, सीधी तरह तो मान नहीं रहे थे तो फिर ये ड्रामा करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हीर तुम्हें भी सब कुछ पहले से मालूम था? हाँ मालूम था। हाँ पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शहाब अंकल ये सब प्लान कर रहे हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। आई कांट बिलीव दिस। वालदैन हमेशा औलाद की भलाई का सोचते हैं, उनके फैसलों पे शक नहीं करते। आई लव यू डैड। जी तेरा। ए भाई ये क्या रुलाएगा क्या? ये इतना अच्छा मौका है और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, लिहाजा एक फैमिली पिक्चर होनी चाहिए। करीबा करीबा तुम भी करीबा, तुम भी करीबा। तुम कभी बास नहीं आओगी अपनी हरकतों से। नहीं ना क्लिक।